हेलो एवरीवन, प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया था। थर्मोडायनेमिक में हमने बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, जिसमें हमने पढ़ा था कि थर्मोडायनेमिक्स की लिमिटेशंस क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम पढ़ रहे थे, लाइक सिस्टम, सराउंडिंग, टाइप ऑफ सिस्टम, होमोजीनियस, हिटरोजीनियस सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, सिस्टम स्टेट्स, वेरिएबल एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। उन्हीं बेसिक टर्म्स को हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, अब क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो डिपेंड करती है अमाउंट के ऊपर, मींस क्वांटिटी के ऊपर, कितना क्वांटिटी का सब्सटेंस लिया उसके ऊपर जो डिपेंड करेगी वो क्या होगी एक्सटेंसिव। इंटेंसिव मींस जो डिपेंड करेंगी किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है, वो क्या हो जाएंगी हमारी इंटेंसिव। तो ये एक तरह की क्वांटिटेटिव है और ये क्या है क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मींस अमाउंट, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे यानी एक्सटेंसिव, और जो नेचर के ऊपर डिपेंड करेंगी दैट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो हमारी वॉल्यूम है, मास है, एनर्जी है, हीट कैपेसिटी है, ये सारी क्या है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मींस की अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है। इसके कंपेरिजन में जो टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर रहेगा, प्रेशर रहेगा, डेंसिटी हो गया, विस्कोसिटी हो गया, ये सारी हमारी क्या है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी ये नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब देखो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास और वॉल्यूम दोनों क्या है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स अमाउंट पे डिपेंड करती है, पर इनसे बनने वाली डेंसिटी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर, यानी ये क्या है एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अगर हम बात करें स्पेसिफिक वॉल्यूम की, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास, तो वो जो होती है वो डिपेंड करती है फिर से नेचर के ऊपर, यानी वो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अदर टू वॉल्यूम और मास वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, वो क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। एक चीज और, ऊपर के केस में जब हम एक्सटेंसिव इंटेंसिव की बात करें, जब मैंने इसका वन अमाउंट फिक्स कर दिया, वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन जाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मीन्स अमाउंट तो फिक्स हो गया ना, तो अब ये किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, नेचर के ऊपर। और अगर अमाउंट फिक्स नहीं है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, अमाउंट के ऊपर, तो वो क्या आ जाएंगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेट टू बी अकर व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हमने लास्ट टाइम बात की थी ना इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की, तो जैसे एक सिस्टम में एक फर्स्ट इनिशियल से फाइनल स्टेट में कोई भी चीज कन्वर्ट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अभी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं उनमें अलग अलग आते हैं, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस, नेक्स्ट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, नेक्स्ट इज आइसोकोरिक, और लास्ट इज आइसोबेरिक। इसमें चार तरह के मेन आते हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या होगा कॉन्स्टेंट। एडियाबैटिक वो प्रोसेस जिसमें हीट क्या होगी कॉन्स्टेंट। आइसोकोरिक यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगी कॉन्स्टेंट, और आइसोबैरिक यानी कि प्रेशर क्या हो गया कॉन्स्टेंट। अगर एक प्रोसेस मीन्स किसी भी प्रोसेस में इनिशियल से फाइनल स्टेज में सिस्टम कन्वर्ट हो रहा है, एक चेंज आ रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट अंडर अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। अगर हीट कॉन्स्टेंट है पूरे प्रोसेस में तो एडियाबैटिक हो जाएगा, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो आइसोकोरिक हो जाएगा, और अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस। डन,
नेक्स्ट टॉपिक इज अब प्रोसेस हो गए। अब ऐसे ही कुछ प्रोसेस होता है रिवर्सिबल और कुछ होता है इरिवर्सिबल। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल को समझने से पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी, दैट इज इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। वर्ड है इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। उसके लिए हम क्या करते हैं, समझने के लिए मैं एक यहां पर सर ले रही हूं, इसके अंदर मैंने एक गैस को फिल कर दिया, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है, ये मेरा पिस्टन आ गया। देन इस पिस्टन पे प्रेशर डालने के लिए मैं यहां पर कुछ पार्टिकल ऑफ सैंड्स रख रही हूं, ये मेरी क्या सैंड है। देन अब जो गैस होती है उसके ऊपर दो तरह का प्रेशर होता है, एक उसका खुद का प्रेशर है जिसे हम बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, एक होता है बाहर से जो हम अप्लाई कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। उस एक्सटर्नल प्रेशर के लिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है सैंड। अब देखो गैस इतने एरिया में है, अब मैं क्या करूंगी यहां से सिर्फ एक पार्टिकल ऑफ सैंड हटा दूंगी। अब वन पार्टिकल ऑफ सैंड कितना स्मॉल होगा, मैंने जैसे ही उसे हटाया पिस्टन में हल्का सा चेंज आएगा, बट वो चेंज इमीडिएटली क्या हो जाएगा, वापिस अपनी स्टेट पे वापिस आ जाएगा। मीन्स हमें लगेगा ही नहीं कि पिस्टन मूव किया, चेंज आया बट हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाए। तो इस तरह के चेंज को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज, इतना छोटा चेंज जिसे हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते। एक पिस्टन यहां से मैंने हटाया या इसके ऊपर एक पार्टिकल डाल दूं सैंड का, दोनों ही केस में से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें क्या हो गया इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। टर्म क्लियर होगी इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। देन तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस को क्या कहेंगे, अ प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्मॉल, जैसे हमने यहां किया ना, सो दैट ऑल चेंजेस अकर इन डायरेक्ट प्रोसेस कैन बी एग्जैक्ट रिवर्स्ड। जैसे इसमें मैंने एक पार्टिकल हटाया, पिस्टन हल्का सा मूव किया पर वो इमीडिएटली क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो वो चेंज जो इनफाइनाइटली स्लोली हो कि हमें पता ही ना चले कि पूरा प्रोसेस एकदम से क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। मीन्स उसके बीच में इमीडिएटली एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अटेन हो गई। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस को हम जनरली इस सिंबल से शो करते हैं, मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड हो रही है उतनी रिएक्शन वहां पे क्या हो जाएगी, बैकवर्ड, यानी सिस्टम में क्या होगी, इक्विलिब्रियम अटेन हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। इस केस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो इनफाइनाइटली ग्रेटर होगी, इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेटर होगी देन अपोजिंग फोर्स। दो तरह के प्रेशर की बात की ना, जैसे मैंने एक गैस का अपना फोर्स हो गया, एक बाहर से हम अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया, तो इनमें इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज होगा दोनों के बीच में। जैसे अगर हम बात करें फ्लो की, एग्जाम्पल हम लेते हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो सेल है, एक ई एक ई टू, एक ई वन है एक ई टू है, मैंने यहाँ पे एमीटर लगा दिया। तीन केसेस मैं यहां पे बना रही हूं, ये मैंने तीन केसेस बना दिए ए बी एंड सी। पहले केस में देखो जितना सेल ईवन का ईएमएफ है उतना ही फर्स्ट सेल का ईएमएफ उतना ही सेकंड का है, तो ईवन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू, तो एमीटर की रीडिंग में कोई भी नहीं है, वो कांस्टेंट है, मींस इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। दूसरे केस में क्या है, ई टू क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा है ईवन से, कितना ज्यादा, इनफाइनाइटली स्मॉल। इस केस में क्या है, ईवन की वैल्यू करंट टुवर्ड्स द ई टू मूव करेगा। थर्ड केस में क्या हो गया, इसका डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स द ईवन है, दैट मीन्स ई टू इज इक्वल टू ईवन प्लस एल। डन, दोनों ही केस में जो करंट फ्लो किया, चाहे वो ईवन की तरफ मूव करे चाहे वो टुवर्ड्स ई टू मूव करे, वो क्या, इनफाइनाइटली स्मॉल। ये जो हम सिंबल शो करें ये बहुत ही स्मॉल चेंज के लिए होता है,
जैसे आप यूज करते हैं ना मैथ्स में डिफ्रेंसिएशन डी, वो पूरे डिफ्रेंसिएशन के लिए होता है और उसी की ये शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे हम इनफाइनेटली स्मॉल चेंज के लिए हम शो करते हैं। डन। तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जिसमें इनफाइनेटली स्मॉल चेंज आए और इमीडिएटली एग्जैक्ट रिवर्स हो जाए प्रोसेस, उसे क्या बोलते रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करता उसे हम क्या बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। डन। जिसके अंदर इनफाइनेटली स्मॉल चेंज ना आए, डायरेक्शन में डायरेक्ट रिवर्स ना हो, उस सारे को हम क्या बोलेंगे एक इरिवर्सिबल प्रोसेस। डन। नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल एनर्जी। हमें पता है जितने भी चेंजेस होते हैं, कोई भी सब्सटेंस चेंज हो रहा है, कोई भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो उन सब के अंदर क्या आता है एक चेंज इन एनर्जी आता है। कोई ना कोई एनर्जी की फॉर्म क्या होती है चेंज होती है। जैसे मैं क्या करूं, मैंने अब आइस लिया, आइस को मैंने अपने हाथ पे रखा, तो आइस क्या हो जाएगी किस में चेंज हो जाएगी वॉटर में। तो आइस ने मेरे हाथ से क्या ले ली हीट ले ली। तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुई, यहां भी एक तरह की हीट आ गई, मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी आ गई। अब वॉटर लो, वॉटर में आप करंट पास करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये किस में चेंज हो जाता है H2+O2 में। तो इस प्रोसेस में भी एक चेंज ऑफ एनर्जी आया, तो ये कौन सी एनर्जी यहां पर यूज हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कोई भी प्रोसेस हो उसके अंदर एनर्जी चेंज तो आता ही आता है, ठीक है। तो हर जो सब्सटेंस होता है उसके साथ कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है एसोसिएटेड होती है, जिसे हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। जो सब्सटेंस के साथ एसोसिएट होगी उसे हम क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी। जनरली हम इसे ई से या यू से, दो सिंबल है, कुछ बुक्स में आपका ई सिंबल मिलेगा, कुछ में आपको यू सिंबल मिलेगा, ई या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बात की प्रोसेसेस की, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की, जैसे हमने ऊपर बात की। प्रोसेस है तो उसकी दो स्टेट तो होंगी ना, एक इनिशियल स्टेज और एक फाइनल स्टेज। तो हर स्टेज पर उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सपोज करो E1 उसकी क्या इनिशियल एनर्जी, E2 क्या उसकी फाइनल एनर्जी। ऐसे U1 उसकी इनिशियल एनर्जी, U2 क्या है फाइनल एनर्जी। दोनों एनर्जी में कुछ चेंज होगा तो ये होगा हमारा एनर्जी चेंज, दैट इज डेल्टा E और डेल्टा E, U2-U1 या E2-E1, ठीक है। आप दूसरी फॉर्म में क्या कह सकते हैं, इसे प्रोडक्ट भी कह सकते हो, जैसे EP and ER, R इज रिएक्टेंट एंड P इज प्रोडक्ट। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा हमारा EP-ER, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डन। अब ये एनर्जी जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी। इसके से चेक करो, जैसे अगर मैं कहूं U2 इज ग्रेटर देन U1, ये पढ़ा है, तो डेल्टा U क्या हो जाएगा पॉजिटिव। और अगर उल्टा हो जाए U2 इज स्मॉलर देन दिस, तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो एनर्जी चेंज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर ये चेंज पॉजिटिव है इसका मतलब उसने कुछ एनर्जी को क्या किया है एब्जॉर्ब, कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया, जैसे ऊपर वाले में एब्जॉर्ब की थी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा इस प्रोसेस के लिए डेल्टा U पॉजिटिव आ जाएगा। अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसमें उसने कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज किया यानी इवॉल्व हुई है, तो उस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। डन। तो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। एनर्जी की जो चेंज वैल्यू है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, हो सकता है इनिशियल की एनर्जी ज्यादा हो सकता है फाइनल की एनर्जी ज्यादा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब एनर्जी का जो सिंबल होता है वो होता है जाउल, हम उसे जाउल से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 joule = 10^7 joules के बराबर होता है। डन। तो ये थी हमारी इंटरनल एनर्जी, मीन्स हर सब्सटेंस के साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होती है हम उसे क्या बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। डन। और नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क। वर्क को हम जनरली वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मींस हमने उसमें कितना फोर्स लगाया और बॉडी क्या होगी डिस्प्लेस होगी। तो वर्क क्या हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डन। या फिर W = F×L। ये जो फोर्स होता है ये होता है हमारा इंटेंसिटी फैक्टर, और
और जो डिस्प्लेसमेंट होती है, कितना वो डिस्प्लेस हुआ, ये होता है उसकी कैपेसिटी फैक्टर। डन। जो फोर्स है वो हमारा इंटेंसिटी फैक्टर है, और कितना डिस्प्लेस हुआ मीन्स डिस्प्लेसमेंट इज कैपेसिटी फैक्टर। अब कुछ कॉमन फॉर्म्स ऑफ वर्क है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वन इज इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क इज EMF into quantity of electricity. उसका EMF कितना और कितनी quantity of electricity प्रोड्यूस की, उसके बराबर क्या हो जाएगा उसका electrical work done. Done. Second one is gravitational work. Which is equal to M G H. H is height, M is mass और G is gravity. तो एम जी उसका क्या हो जाएगा, वेट इंटू हाइट, कितना चेंज आया हाइट में, दैट इज एम जी एच विच इज ग्रेविटेशनल वर्क। नेक्स्ट इज वर्क फॉर एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन का वर्क कह लो या फिर प्रेशर वॉल्यूम वर्क तन कह लो, दोनों सेम है, कितना एक्सपेंड हुआ और कितना उसमें चेंज आया, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। देन अब हमें पता है वर्क डन होगा तो गैस या तो एक्सपेंड होगी या कॉन्ट्रैक्ट होगी, दोनों केसेस में। जैसे मैंने यहां पर एक वेसल लिया, इसके अंदर मैंने एक गैस को फिल कर लिया, इसका जो एरिया हमने ले लिया वो क्या है, ए स्क्वेयर सेंटीमीटर। डन। अब जो हमने इसके ऊपर क्या किया, प्रेशर लगाया, इंटरनल प्रेशर होगा गैस का, तो इससे क्या हो जाएगी, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। मैंने यहां पर एक पिस्टन लगाया हुआ है, डन। दो तरह का प्रेशर है, हमने पीछे भी बात की थी, एक है एक्सटर्नल प्रेशर, बाहर का प्रेशर, एक है अंदर का प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। अभी हम यहां इंटरनल प्रेशर की बात करें, अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तो गैस का आएगी बाहर की तरफ जाएगी, यानी ये पिस्टन यहां से मूव कर जाएगा, यहां से मूव करके ये थोड़ा सा मूव करके ऊपर चला गया। डन। ये जितना मूव किया, लेट दैट डिस्टेंस इज dl, जितना ये डिस्प्लेस हुआ, अब वर्क हुआ तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट तो होगा ना, ये इतना चेंज हुआ ना, इसे हमने क्या नाम दे दिया, dl का। डन। तो इस केस में क्या हुआ, गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, उसकी वॉल्यूम क्या होगी, इंक्रीज हो गई। डन। अब गैस की बात करें, हमने अभी बात करी थी वर्क, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स, फोर्स इज प्रेशर इंटू एरिया, कितना प्रेशर है गैस का, क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो गैस क्या हुई, एक्सपेंड हुई, अगर बाहर का ज्यादा होता तो गैस पिस्टन नीचे की तरफ आता तो गैस क्या हो जाती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती। अब अंदर का प्रेशर ज्यादा था तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी, दैट प्रेशर और ए जो इस वेसल का हमने एरिया लिया, तो पी इंटू ए आ जाएगा। और कुछ वर्क क्या हो गया हमारा, व्हाट इज वर्क, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज पी इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट मीन्स कितना वो मूव करा, देखो यहां से पिस्टन यहां चला गया, उसके हमने क्या दिया, डीएल, ये हो गया इंटू डीएल। डन। तो ए इंटू डीएल, व्हाट इज ए इंटू डीएल, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट जो आई हमारे पास, कितना वो चेंज आया, दैट इज वॉल्यूम, तो आ जाएगा पी इंटू वीवी, बिकॉज स्मॉल चेंज आया, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हुई तो हमने इसे क्या नाम दिया, स्मॉल में ही डी, तो आ गया पी इंटू डीवी। तो अभी डब्ल्यू हमारा किसके बराबर आ गया, अब मैंने यहां पे एक जगह स्मॉल यूज किया, एक जगह लार्ज किया, इसका हम एक्सप्रेशन बाद में देंगे कि क्यों हमने एक जगह पर कर्ली यूज किया और एक जगह पर डी यूज किया। डन। क्योंकि हमारा स्मॉल ही चेंज हुआ था, इसीलिए यहां पर भी स्मॉल चेंज के लिए हम कर्ली दिखाएंगे और यहां पर क्या आ जाएगा, डी भी आ जाएगा। डन। अब ये तो स्मॉल के हो गया, अगर हम मुझे पूरे के पूरे सिस्टम पे कितना वर्क हुआ ये निकालना है, तो उसमें कितना वॉल्यूम चेंज हुआ ये देखना पड़ेगा। सपोज करो इसकी इनिशियल वॉल्यूम थी वी वन, फाइनल वॉल्यूम है वी टू, तो हम इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे,
B1 से B2 तक मैंने इसे क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो ये क्या आ जाएगा, इधर से भी इंटीग्रेट हुआ तो ये कंप्लीट वर्क बन गया। T इज कॉन्स्टेंट, बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, V2 माइनस V1। बट इज V2 माइनस V1, जैसे अभी क्या था ना, U2 माइनस U1 इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ऐसे ये क्या हो गया हमारा चेंज इन वॉल्यूम। इसे हम टी डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करेंगे। डन। तो W क्या आ गया हमारे पास, टी डेल्टा वी के बराबर। अब क्योंकि हमने एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर की बात की थी, तो हम अगर यहाँ पे प्रेशर को एक्सटर्नल शो कर रहे हैं तो यह जगह पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और अगर वैसे बात करें कॉन्ट्रैक्शन की तो वो जगह पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, जिस भी प्रेशर की आप बात करोगे। डन। अब ये साइन हम पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे वो डिपेंड करता है वर्क डन ऑन सिस्टम हुआ या बाय सिस्टम हुआ। वर्क डन बाय सिस्टम यानी कि गैस क्या होगी, एक्सपेंड हुई है। नीचे हम दिखाएंगे माइनस पी डेल्टा वी से, और वर्क डन ऑन सिस्टम यानी कि कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। एक्सपेंशन के लिए नेगेटिव साइन और उसके लिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। डन। दो तरह का वर्क आ गया हमारे पास, एक माइनस पीडीवी और एक प्लस पीडीवी। डन। अब बात करते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें क्या वर्क डन रहेगा हमारा, जो वर्क डन होगा रिवर्सिबल, अभी हमने रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करी ना, जिसमें कितना चेंज आना है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज आना है, उसे हम क्या बोलेंगे, एक रिवर्सिबल प्रोसेस। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज मैक्सिमम वर्क, तो ये वर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क इफ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन रिवर्सिबल कंडीशन। अगर एक प्रोसेस रिवर्सिबल कंडीशन में हो रहा है तो जो वर्क ऑब्टेन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वर्क। मीन्स उसको रिवर्स करने के लिए हमें बहुत ही कम वर्क करना पड़ा, वो हमारा क्या बन जाएगा, मिनिमम वर्क। ठीक है। तो हम बात करते हैं जैसे वर्क डन बाय सिस्टम की, अभी हमने लिया ना बाय सिस्टम है, तो पी डीवी आ जाएगा। तो वर्क डन, एग्जाम्पल ले रही हूँ, आप एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन भी ले सकते हो दोनों, तो एक्सपेंशन होगी तो पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। मैंने एक्सटर्नल क्यों लिया, क्योंकि जब एक्सपेंशन होगी, अभी इस केस में देखो ना, हमने गैस को एक्सपेंड किया था, जब एक्सपेंशन हुई थी तो दो तरह का प्रेशर था, एक बाहर का एक अंदर का। ठीक है। गैस को एक्सपेंड होना है तो एक्सपेंड होने के लिए जो उसका इंटरनल प्रेशर क्या होगा, स्लाइटली ज्यादा होना चाहिए, और एक्सटर्नल प्रेशर बाहर का प्रेशर क्या होना चाहिए, हल्का सा कम होना चाहिए, तभी तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। तो इस केस में जो होगा एक्सटर्नल प्रेशर स्मॉल होगा किससे, इंटरनल। अंदर का प्रेशर ज्यादा हुआ, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा तभी तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। अब वॉल्यूम में इंक्रीज होने के लिए वर्क डन कैन बी मैक्सिमम अगर पी एक्सटर्नल क्या हो जाए हमारा, मैक्सिमम। अब मैं कह रही हूं पी एक्सटर्नल मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम है, तो इंटरनल को हल्का सा क्या होना पड़ेगा, ज्यादा सा इससे क्या होना, ज्यादा होना पड़ेगा, कितना ज्यादा, इनफाइनाइटली स्मॉल। अगर उनमें इनफाइनाइटली चेंज है, पी एक्सटर्नल कैन हैव कैन शुड बी इनफाइनाइटली स्मॉलर देन पी इंटरनल। ये इनफाइनाइटली स्मॉल हो पी इंटरनल से, बहुत ही स्मॉल चेंज हो, तो उस केस में प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स हो जाएगा तो ये हमारा क्या था, मैक्सिमम, तो वर्क भी हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम अंडर दैट कंडीशन। सिमिलरली आप कॉन्ट्रैक्शन की बात कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम, तो वर्क डन ऑन सिस्टम की बात, जब हम कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ये क्या रहेगा, पी इंटरनल इंटू डेल्टा वी, जो स्मॉल वाला है हम वो यहाँ पे लेते हैं। उस केस में क्या होना पड़ेगा, पी एक्सटर्नल बाहर के प्रेशर को इनफाइनाइटली ग्रेटर होना पड़ेगा अंदर के प्रेशर से, इनफाइनाइटली।
तो इनफाइनेटली के लिए आप इस तरह से सिंबल लगा सकते हो ग्रेटर और स्मॉलर में, मतलब बहुत ही स्मॉल है उसकी कंपैरिजन में। अगर वो इतना स्मॉल है तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स, और रिवर्स प्रोसेस के अंदर जो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डन। तो इस तरह से हम यहाँ पर वर्क डन निकाल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो इस तरह के वर्क डन को रिवर्सिबल प्रोसेस में कहते हैं मैक्सिमम वर्क डन। तो ये हमारे कुछ जनरली टॉपिक्स है, जनरल टर्म्स जो हम आगे थर्मोडायनेमिक में यूज करेंगे। थैंक यू।